नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट हमने किया था बाय एक्चुअल मीन, जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले. अब सेकंड हमारे पास टॉपिक है बाय एज्यूम मीन. और दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% यही वाला मेथड आपके पास यूज होता है बाय एज्यूम मीन. और एक ये वाला मेथड ऐसा है, एक्चुअल भी आ जाए तब भी हम इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं बाय एज्यूम मीन. तो कॉरिलेशन और बाय एज्यूम मीन. एज्यूम मीन मींस मीन आर नॉट एक्चुअल. इट मींस मीन यदि हमारे फ्रैक्शन में आते हैं, एक्स और वाई दोनों में से किसी के भी, एक के भी आ जाए, तब भी हम एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो हमें यूज करना पड़ेगा बाय एज्यूम मीन. क्लियर? एज्यूम मीन का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर. स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. हम काफी टाइम पेपर चेक करते हैं तो उसमें माइनस का साइन शो कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई ही लगाना है अपने. एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट. क्लियर? स्टार्ट करने में क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. एक्स गिवन होगा आपको और सेकंड वाई गिवन होगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन. क्वेश्चन है हमारे पास 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18, 10, 17. एंड y गिवन है 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 एंड 46. ये गिवन है हमारे पास. x एंड y गिवन है. n कितना है हमारे पास? 8. नंबर ऑफ आइटम इज 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करते हैं इसका, समेशन x, और इसका टोटल होगा हमारे पास समेशन y. क्योंकि हम चेक भी कर सकते हैं कि मीन एक्चुअल वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर हमने एज्यूम वाला लगाना है. हमने इसका टोटल किया, इसका टोटल आया 125 और समेशन वाई का टोटल किया, उसका टोटल आया 337. एन कितना है नंबर ऑफ आइटम्स? 8. तो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन और वाई मीन इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन. समेशन एक्स 125 अपॉन 8 और 337 अपॉन 8. तो एक्चुअल नहीं आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है. फर्स्ट वाले का आ रहा है 15.62 एक्स मीन एंड वाई मीन 42.12. तो दोनों में से कोई भी एक्चुअल नहीं है, दोनों में से एक भी एक्चुअल नहीं होगा तो हम एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एज्यूम मीन का. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना. अब हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए हमारे को अपने फॉर्मूले को पुट करने के लिए. n, n हमारे पास गिवन है 8. समेशन dx dy, समेशन dx, समेशन dy, समेशन dx स्क्वायर, समेशन dy स्क्वायर. तो 5 आइटम्स हमें चाहिए अपने फॉर्मूले को यूज करने के लिए. तो dx क्या चीज है पहले, तो समेशन dx फर्स्ट इज समेशन मीन्स सम टोटल. फर्स्ट डीएक्स, डीएक्स क्या चीज है? एक हमारे पास था स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन. दिस आर डेविएशन फ्रॉम मीन, इसे कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन. और डीएक्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. तो एक्स माइनस ए कोई भी हम एज्यूम कर सकते हैं, तो एक्स माइनस ए. ऐसे ही समेशन डी वाई y माइनस ए और इसका समेशन कर देंगे
टोटल कर लेंगे इसका, वो आ जाएगा हमारे पास समेशन डीएक्स और ये समेशन डीवाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएक्स निकालेंगे और यहां पर dy, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और dx dy। तो ये पांच चीजें चाहिए अपने फॉर्मूले को पुट करने के लिए, ये फाइव आइटम्स हमारे पास आ जाएगी और फिर हम फॉर्मूले को अपने यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई भी एज्यूम कर लो फर्स्ट इसमें से, लाइक हमने 16 कर लिया और इसमें से 42 एज्यूम कर लिया, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, सभी से फॉर्मूला के आंसर आ जाएगा। मेनली हम इसके नियर बाय कर लेते हैं, जितना मीन आता है मीन के नियर बाय कर लेते हैं। जैसे 15.62 था, मैंने 16 ले लिया, 42.12 था, 40 ले लिया। इज इट क्लियर? तो x माइनस a और a इज इक्वल टू 16। अब लेस करो, 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 18 माइनस 16 2 प्लस का, 16 माइनस 16 0, 15 माइनस 16 माइनस 1, 19 माइनस 16 3, 18 माइनस 16 2, 17 माइनस 16 1 और समेशन dx, इनका टोटल कर लेंगे, ये आएगा माइनस 3। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो स्मॉल x और स्मॉल y हमने किया था एक्चुअल मीन में वो जीरो आता है, बट ये कंपल्शन नहीं है कि dx और dy भी जीरो आएगा, डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, स्केयर कर देते हैं इसका, 36, 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4, 0, 1, 4, सॉरी 1, 9, 4 और 1, समेशन dx स्केयर आ जाएगा हमारे पास, इनका टोटल कर लो 71, समेशन dx स्केयर आ गया 71। समेशन dy निकालो, अब dy, y माइनस a और a इज इक्वल टू, हमने क्या एज्यूम किया है, 42, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, पहले बताया आपको, 30 माइनस 42 माइनस 12 माइनस 7, 45 माइनस 42 3, 44 माइनस 42 2, 0, 48 माइनस 42 6, 5 एंड 4, समेशन डी वाई इज इक्वल टू, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ रहा है 1, तो समेशन डी वाई इज इक्वल टू 1। इसी का भी स्केयर कर दो, माइनस 12 का स्केयर, माइनस का स्केयर कर देते हैं प्लस हो जाता है, माइनस 7 का स्केयर 49, 9, 4, 0, 6 का स्केयर 36, 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 16, समेशन डी वाई स्केयर, इन सारों को ऐड कर लो, इसका टोटल आएगा 283। अब लास्ट है हमारे पास dx और dy, ये dx है और ये हमारा dy है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का ध्यान रखना, यदि एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, दोनों माइनस हुए तो प्लस आएगा, माइनस 6 इंटू 12, दोनों ही माइनस के हैं 72, माइनस 4 इंटू 7 28, 2 इंटू 3 6, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना है, 0 इंटू 2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, माइनस 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 5 10 और 1 इंटू 4 4, समेशन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ रहा है 138। अब सारी आइटम्स आ गई हमें जो फॉर्मूले में पुट करनी है, n भी है हमारे पास, dx भी है टोटल उसका, डी एक्स स्क्र भी है, dy भी है, डी वाई स्क्र भी और dx dy भी, अब हमें बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, r इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? एन एन कितना है हमारे पास 8, डी एक्स डी वाई
138 माइनस समेशन dx माइनस 3, माइनस 3 आता तो ब्रैकेट में डाल लेना माइनस को, dy 1 अपॉन अंडर रूट n 8 समेशन dx स्क्वायर 71 और माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर n 8 dy स्क्वायर 283 और माइनस 1 का होल स्क्वायर r। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, 8 इंटू 138 1104 इसका टोटल आएगा 1104 माइनस और माइनस माइनस दो बार है 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा प्लस डिवाइड बाय 8 इंटू 71 568 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट इंटू 8 इंटू 283 से मल्टीप्लाई करो या गया हमारे पास 2264 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इलेवन जीरो फोर प्लस थ्री 1107 डिवाइड बाय 568 माइनस 9 559 अंडर रूट इंटू 2263 अंडर रूट। सॉल्व करो इसको, 1107 डिवाइड बाय 559 अंडर रूट ले लिया हमने 23.643 इंटू 2263 का रूट ले लो 47.57 आर इज इक्वल टू 1107 डिवाइड में मल्टीप्लाई करो 23.643 इंटू 47.57 1124.72 ये आ गया हमारे पास। डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1107 डिवाइड बाय 1124.72 0.984 आर इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.984। इट मींस लास्ट में डिग्री मेंशन करनी है, मैंने पहले बताया आपको कि डिग्री का एक नंबर होता है नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों आया ये हाई डिग्री? क्योंकि ये किसके बीच में है? 0.75 और 1 रेंज के बीच में है और इसके बीच में आता है तो कितना होता है? हाई डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।